लेट अस स्टार्ट। हम लोगों ने बहुत सारी चीजें कर ली है। वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द थिंग्स। तो एक तो क्वेश्चन है जो मुझे आपको करवाने है। एक क्वेश्चन है असाइनमेंट में ही। तो क्वेश्चन इज अ रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ सॉल्ट एनेबल्ड ए परचेजर टू बाय 4 kg मोर फॉर ₹100। द रिड्यूस प्राइस ऑफ द सॉल्ट पर केजी इज ओके। अब देखिए, इसने बोला है द रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ द सॉल्ट। आपने इस बात को समझना है। हम कहते हैं कि लेट मनी स्पेंट इज ₹100। राइट, लेट द मनी स्पेंट इज ₹100 इन एवरी केस। और हमारे पास कहता है रिडक्शन इज 20%। मीन प्राइस गॉट डाउन बाय कितना 20% ऑफ 20 ऑफ 100 सॉरी, तो दैट इज ₹20। नाउ ₹20 जो है, दिस ₹20 इज लाइंग एक्स्ट्रा विद द बायर बिकॉज वो बाजार गया, उसको पता लगा कि प्राइस रिड्यूस हो गया बाय 20%। व्हेन प्राइस इज रिड्यूस बाय 20% और ही हैज गॉट ₹20, इसने शॉपकीपर को बोला कि मुझे ₹20 में चाहिए, यू गिव मी एक्स्ट्रा सॉल्ट। तो उसको 4 kg एक्स्ट्रा सॉल्ट मिला। तो हियर He got extra 4 kg from extra ₹20. So reduced price per kg will get a ₹20/4. That is ₹5. Right, so that is what it is being asked to us, what is the reduced price per kg. Now agar ye humse aisa puche, ye humse is tarah se puche ki what was the original price, hum likhenge let original price will be that. और इस टैक्स के ऊपर जब 20% का रिडक्शन हुआ तो वो ₹5 बना। तो यू कुड सी दैट दिस इज 4, दिस इज 5। सो फ्रॉम हियर यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एज 25/4, दैट इज 6.25। तो अगर तो आपके पास ओरिजिनल प्राइस पूछा है तो इट इज 6.25, और अगर आपसे पूछा गया है रिड्यूस प्राइस पर केजी तो ₹5। सो दिस इज द आंसर फॉर इट। तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें देखना क्या है
तो हम लोगों को जब क्वेश्चन एक्चुअल में करना है तो मैंने आपके लिए लिखा, आपको करना क्या है, यू जस्ट हैव टू सी लाइक कि हमारे पास एक्चुअल में 100 रुपीज है और इसी 100 रुपीज के ऊपर 20% का रिडक्शन हो रहा है, एंड विद दिस 20 रुपीज वी गेट 4 रुपीज 4 kg एक्स्ट्रा, देयर फॉर तो दिस एक्स्ट्रा 4 kg दे हैव गॉट फ्रॉम 20 रुपीज, तो 20/4 इज रुपीज फाइव, राइट। नाउ अगर हम लोग यहां पे देखें तो बस यही हमारे पास रिड्यूस प्राइस पर केजी है, बट ये 80% है किसी ओरिजिनल प्राइस का, तो हमें क्वेश्चन में करना इतना सही होता है, बस यही चीज है। ये जो मैंने बाकी का लिखा है ये जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा है कि हम लोगों के पास क्वेश्चन किस तरह से दिया गया, तो यू विल डू इट योरसेल्फ। देन वी आर हैविंग अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32। दैट क्वेश्चन इज द प्राइस ऑफ राइस इज रिड्यूस्ड बाय 2%, हाउ मेनी केजी ऑफ राइस कैन नाउ बी बॉट फॉर मनी विच वाज सफिशिएंट टू बाय 49 kg ऑफ राइस अर्लियर। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैं ना इसको ऐसे कह सकता हूँ कि भाई दो तरीके हैं इसको करने के। एक तरीका तो सिंपल ये है कि प्राइस रिड्यूस हो गया फ्रॉम 100% टू 98%, इसका मतलब क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी 98%, 98 पार्ट से 100 पार्ट तक, दैट मीन्स इट विल इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ 49:50। अब क्वेश्चन में हमारे पास दिया है कि अर्लियर दिस वाज केस वन एंड दिस इज केस टू, तो हमारे पास दिया गया है कि 49 पार्ट जो है इट इज इक्वल टू 49 kg, तो 50 पार्ट इज इक्वल टू 50 kg, तो जितने पैसे में पहले 49 kg आ रहा था अब उतने ही पैसे में 50 kg मिल रहा है, तो दिस इज वन वे ऑफ डूइंग थिंग। क्या हुआ, जब प्राइस रिड्यूस हो रहा है तो क्वांटिटी उसकी ना रिवर्स रेशियो में इंक्रीज होती है, जब प्राइस किसी रेशियो में डिक्रीज होता है तो क्वांटिटी उससे उसके रिवर्स रेशियो में इंक्रीज होती है, सो दैट इज व्हाट वी हैव टू कीप इट इन माइंड। सो दिस इज द राइट वे ऑफ डूइंग द थिंग, अदरवाइज वी आर हैविंग अनदर वे, तो मैं उसको नहीं छेड़ूंगा बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वी हैव टू डू द क्वेश्चन इन मिनिमम पॉसिबल टाइम, तो सच थिंग्स हैव टू बी अडॉप्टेड बेसिकली। तो हम लोगों को एक चीज समझनी है कि एक चीज के कम होने से दूसरी चीज बढ़ रही है तो हम उसको उल्टा रेशो कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने कल भी बात किया था इसके ऊपर। ईयर 2020 में एक क्वेश्चन आया क्या है, आया है आपके लिए, एज अ रिजल्ट ऑफ 25% हाइक इन द प्राइस ऑफ राइस पर केजी, ए पर्सन इज एबल टू बाय 6 kg लेस फॉर ₹1200, वट वॉज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द राइस पर केजी। सेम वही क्वेश्चन है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, अब हम इसको करेंगे कैसे, जस्ट सी, आई विल नॉट बी राइटिंग एनी स्टेटमेंट हेयर नाउ, दिस इज जस्ट हाउ आई विल बी डूइंग दैट क्वेश्चन इन द एग्जाम। तो हमें मनी स्पेंड इज लेट्स से 1200, हम लोग हर बार कितना स्पेंड करते हैं, 1200 स्पेंड करते हैं, हाइक हो गया 25%, तो इसका 25% चेक करिए क्या आएगा, सिंपली तो 25% इज 1/4, दैट इज इक्वल टू 300। कहने का मतलब ये है कि जितना क्वांटिटी उसको पहले 1200 में मिल रहा था अब सेम क्वांटिटी उसको 300 रुपीज एक्स्ट्रा में मिलेगा, तो बट ये बंदा कहता है कि मुझे 300 रुपीज नहीं खर्चना, मैंने जितना इसके लिए बजट रखा था मैं वही रखूंगा। तो अब क्या हुआ, अभी हमारे पास बिकॉज ऑफ हैविंग लेस ₹300 पर्सन गॉट लेस ऑफ 6 kg, बात ये बात होगी, देयरफॉर इंक्रीज प्राइस
इंक्रीज प्राइस, पर केजी इज 300/6, सो इट इज रुपीज 50 पर केजी, बट माइंड इट दिस इज द इंक्रीज प्राइस पर केजी। इसने हमसे क्या पूछा, इसने हमसे पूछा व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस। अगर आप देखें तो हम लोगों के पास बोलता है जब 25% हमने इंक्रीज किया तो ये हमें मिल रहा है 50 रुपीज पर केजी। व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस, हम इसको ऐसे कहेंगे 125% ऑफ सम ओरिजिनल प्राइस, इसको मैं एक्स दे रहा हूँ इज रुपीज 50। ऑल वी नीड टू डू इज एक्स इज इक्वल टू 50 × 100/125। ऑल वी नीड टू डू इज जस्ट रिड्यूस इट into smaller sections and we will get 40 as the answer. So if you ask us ki what was the original price was 40. So 40 is the answer for us. So this was the question asked in 2020 and we have done this question. So question ko karna humne itna hi hai. In fact, main aapko agar example se baat batau, so we don't have to write even this. We just need to check out the calculation part. So one step, two step and three step, question is finished. So आपको ये चीजें अपने आप धीरे धीरे समझ आएंगी जब आपकी प्रैक्टिस होगी कि हमें ये लिखना ही नहीं है, ये तो सब as it is लिखा जाता है, this is just to make you understand, right? So just see it, we'll do another question. वैसे तो एक क्वेश्चन इन लोगों ने इस तरह से दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया गया है ऑल मेंबर्स ऑफ ए क्लब वेंट टू मुंबई एंड स्टेड इन अ होटल ऑन द फर्स्ट डे 80% वेंट फॉर शॉपिंग देन 50% बोलते हैं 50% वेंट फॉर साइट सीइंग, सो दे फॉर वेंट फॉर साइट सीइंग एंड देन हमारे पास बोला गया 10% रेस्टेड इन द होटल ओनली एंड देन दे आस्क अस कि हमारे पास व्हाट इज द कंक्लूजन वी कैन ड्रॉ फ्रॉम इट। नाउ इफ यू सी हियर, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास there are certain members of the club and ab isne hame kya bola, dhyan se dekhiyega, ये बोलता है 10% did not go anywhere, right? अगर 10% did not go anywhere, तो ये जो ये अंदर वाला पार्ट रह गया ना, ये वाला पार्ट, दिस इज टोटल 90% ऑफ द पीपल, तो दिस इज 90%। तो हम लोग क्या सकते हैं कि भाई ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी मतलब जो शॉपिंग के लिए गए और साइट सीइंग के लिए गए, they are 90% of the people. A में शॉपिंग वालों को मान रहा हूं, that is 80%, and B में साइट सीइंग वालों को मान रहा हूं, that is 50%, and we will be finding A intersection B. So this shows 90% is equal to 80 + 50 - A intersection B. So A intersection B is 130 - 90 = 40%. So what we can conclude from this, we can conclude that 40% of the club members went for both shopping and sightseeing. So this is what we can conclude. So question was given to us like this. So हम लोगों ने ये चीज already पढ़ी हुई है और आप लोगों के पास जब भी ऐसी चीज आएगी तो you will be using this particular way for doing the question. So this was again asked in the previous year and if the question was asked in
in the year again 2019. So, in nutshell, what I wanted to tell you is that we have already done the question. जो कि आपको पीछे गए हैं, हमने वो सारे टाइप के क्वेश्चन किए हुए हैं. द ओनली थिंग विच यू रिक्वायर इज यस योर योर प्रैक्टिस राइट. विल सी सम मोर क्वेश्चंस हियर. देखिए, ए यूनियन बी, यू मींस इट स्टैंड फॉर यूनियन. व्हेन वी टॉक अबाउट यूनियन, वी एक्चुअली टॉक अबाउट होल ऑफ द थिंग्स लाइक दोज हु आर एक्चुअली participating in the given activities. For example, अगर हम लोग यहाँ पे देखें, when I'm talking about this, for example, in a class, some percentage of the students, yeah, some number of the students, they study mathematics. Some percentage of students, they study biology. And some percentage of students they study both. That means they are participating in these two activities, studying mathematics and studying biology, right? So whenever we wanted to check how many people were there in all, so we always talk about this blue portion, that is union of the things. That means when we are talking about this, it means like at least one of the subjects should be taken by the people or student of the class. So that is considered by union. When we talk about this is A union B. So A union B is shown to you by the blue lines, like whatever the whole portion in these two circles is blue line, and these two blue lines, these two circles actually depict A union B. But when I'm talking about A intersection B, I only take the, just a second, I generally take this part, which is common to both of these circles. Like if I talk about the common people in both the subjects, the people who have taken biology as well as mathematics, so they are basically A intersection B. So this particular part, A intersection B, and whole of the blue part is A union B. What I wanted to tell you is कि A intersection B, मतलब this part is actually the whole part of A union B. So this is the basic difference between A union B and A. When we are talking about the total number of people in who are taking at least one of the two subjects, so what we generally do, we take whole of this first. We take whole of this first, right? We take whole of this first circle. Then we, if somebody asks us about B, so we take whole of this B circle. But in that case, this common area is taken twice. That is why we always subtract and we write it as A union B is equals to A plus B minus A intersection B. A intersection B means we subtract the common part once because that particular part is taken twice. This is the reason. We subtract it from A and A, sum of A and B, right? So this is how we go for this particular formula. So let us see this question asked from the previous year exam, previous year paper. So it is, there are total 120 people, out of which 5% can play all the three violins, guitar and flute. They can violin, guitar and flute. So there are 5% of the musician who can play all these three instruments. Then it so happened that the number of musician who can play any two and only two of the above instruments is, also happens that the number of musicians who can play any two and only two of the instrument is 30. And ये हमसे क्या बोल रहा है, ये हमसे ऐसे बोल रहा है कि total जो था
अगर हम इसकी बात करें तो एन ऑफ वी यूनियन जी यूनियन एफ दे आर हाउ मेनी पीपल, दे आर 120 पीपल। फिर ये हमसे बोलता है इसने हमसे क्या पूछा, इसने हमसे बोला कि द पर्सन हु कैन प्ले ओनली टू ऑफ द अबव इंस्ट्रूमेंट इज 30। अब ये जो बड़ा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा पार्ट है। इसको हम लोग ओनली टू इंस्ट्रूमेंट से ही अभी मैं इसको लिख रहा हूँ, दे आर 30, देन आई विल शो यू विद द हेल्प ऑफ ए वेन डायग्राम। एंड देन ही सेज गिटार एलोन, ये भी हमें बोला गया गिटार एलोन इट इज 40। एंड ये बोलता है हाउ मैनी कैन प्ले ओनली गिटार सॉरी ओनली वायलिन एंड ओनली फ्लूट, ये हम लोगों को ये बोल रहे हैं, राइट। अब देखिए जी, इस केस में जब भी हम ऐसा क्वेश्चन करते हैं, ये बड़े ध्यान से आप लोग देखिएगा, जब भी हम लोग ऐसा क्वेश्चन करते हैं हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं, वी ऑलवेज मेक अ वेन डायग्राम। तो जस्ट सी वो वेन डायग्राम क्या है, हमारे पास तीन पैरामीटर इस बार दिए गए हैं। नंबर वन इज राइट, नंबर टू इज दिस, एंड नंबर थ्री इज दिस, राइट। नाउ इट इज सेइंग 5% ऑफ द पीपल। अब इसको मैं मान लेता हूँ ये वायलिनिस्ट है, ये गिटारिस्ट है और ये हमारे पास फ्लूट वाला है, तो टोटल हमारे पास 120 लोग हैं। इसने बोला 5% कैन, ये 5% है जो तीनों इंस्ट्रूमेंट बजा लेता है, टोटल 120 के 5% अगर हम देखें तो दे आर गोइंग टू बी 6 पीपल। तो 6 लोग जो हैं वो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट बजा देते हैं। नाउ जो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ओनली टू, ओनली टू वाले जो हम लोग बात करेंगे ना, देयर यू हैव टू सी द थिंग, ये चलिए मैं इसको ना एक्चुअली क्या करता हूँ, मैं इसको ये नाम से याद कर लेता हूँ, इसको मैं ये बी वाला बात कर लेते हैं, इसको सी बात कर लेते हैं। तो आप देखें इसमें हमें क्वेश्चन में दिया गया है ए प्लस बी प्लस सी टोटल 30 लोग हैं, ओनली गिटारिस्ट में 40 लोग हैं, ठीक है, और इनको आप एक्स और वाई मान लीजिए, ओनली वायलिनिस्ट और ओनली फ्लूटिस्ट। तो आपके पास क्या रहेगा, आपके पास ये जो टोटल लोग हैं, टोटल सर्कल में जितने भी लोग हैं, इनको अगर हम ऐड करें तो ये 120 के बराबर आना चाहिए। दैट इज व्हाट इज गिवन टू अस, इट मींस हमारे पास 40 प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स प्लस वाई जितने भी पार्ट्स हैं अंदर वाले प्लस 6 शुड बी इक्वल्स टू 120। दोबारा से सुने, 40 इज दिस, देन ए प्लस बी प्लस सी इज दिस, एक्स प्लस वाई इज दिस एंड द इनर मोस्ट पार्ट इज 6, ये सबको ऐड करके 120 बनना चाहिए। तो हमारे पास क्या जाएगा, 46 प्लस 30 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 120, 76 प्लस एक्स प्लस वाई इज 120, एक्स प्लस वाई इज 120 माइनस 76 एंड x प्लस y इज इक्वल टू 44।
दिस इज द आंसर फॉर दिस वॉज द क्वेश्चन आस्क इन द पीडीएफ एग्जाम. क्वेश्चन वॉज वेरी वेरी इजी, लेकिन बस हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि हम इसको किस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं, किस तरह से अटैक कर सकते हैं. अगेन ऐसे तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये 2011 में पूछा गया है. द क्वेश्चन इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 100 इन अ पर्टिकुलर क्लास, 60% प्ले क्रिकेट. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट आर 60%. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले फुटबॉल इज 30%. एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट, ठीक है, यानी अब जब एंड क्रिकेट है ना तो ये इंटरसेक्शन में आएगा कॉमन, दे आर 10%. ये हमसे पूछता है व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट प्ले नीदर क्रिकेट नॉर फुटबॉल. तो चलिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कि भाई कितने लोग एक्चुअल में खेलते हैं, राइट. अब मैं इसको आपको दो तरीकों से बताऊंगा. एक तरीका तो फॉर्मूला वाला तरीका है, लेट अस सी दैट. तो ये हमारे पास क्या जाएगा, एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ एफ माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी. एन ऑफ एफ यूनियन सी इज 60 प्लस 30 माइनस 10, दैट इज इक्वल टू 80%. वेरी राइट. इसका मतलब यस, द पर्सन हु डिड नॉट प्ले एनी ऑफ द गेम, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं डैश लगा के, is 100 minus 80, that is 20%. And if we talk about the number, it is 20% of 100. Very right. Now, if we can do this question by another method, जो मैं आपको Venn diagram वाला method बता रहा हूँ, हम उससे भी इसको देख सकते हैं. कैसे? Let us see that again. आप देखिएगा कि हम इसमें वेन डायग्राम को कैसे यूज कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा कंसेप्ट आपका और क्लियर हो जाए. नाउ लेट अस सी दिस. इसने हमें बोला 10%, दिस इज कंसिडर्ड टू बी फुटबॉल, दिस इज कंसिडर्ड टू बी क्रिकेट. तो हम सबसे पहले ना इनर मोस्ट पार्ट को फिलअप करते हैं. तो दिस इज 10%, राइट. तो फुटबॉल एंड क्रिकेट 10%, यानी हमने सबसे पहले इसको फिलअप किया. नाउ फुटबॉल इज टोटल 30%, फुटबॉल इज टोटल 30%, बट 10% वी हैव ऑलरेडी टेकन, सो वी विल बी टेकिंग ओनली 20%. एंड क्रिकेट इज टोटल ऑफ 60%, 10% वी हैव टेकन, वी विल बी टेकिंग रेस्ट ऑफ द 50%. सो इफ वी कंसिडर होल ऑफ द क्रिकेट, इट इज 50 + 10, 60%. If we consider whole of the football, it is 20 + 10%. If we say only football, so 20%. If we say only cricket, so it is 50%. And if we add all of them, so 80% of the people play at least one of the two games. And out of these people, 20% of those people do not play any of the game, which are outside the ambit of these two circles. They are out of bounds from these two circles. So 20% is the person, and whose 20% ka value aapne 20 nikal diya. This is the answer. So you can use the Venn diagram for solving such type of question, but Venn diagram se question solve karne ka ek hi principle hai ki hum log hamesha innermost part ko pehle fill up karenge, fir hum log bar ke part ko fill up karte karte bar jayenge. I hope it is clear to everyone. So we'll keep it here and we'll move on to the next part in the next session. We'll be doing some previous questions of some other topic also. Bye for now. God bless you. Take care and